Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today we will discuss about the ethics and moral. दोनों terms के में हम difference को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर लीजिए और जो उसके साथ जो bell icon है उसको press कर लीजिए ताकि videos की सारी notifications आपको मिलती रहे, ठीक है? तो let us start the topic, that is ethics versus moral. गाइज, इससे पहले हमने एथिक्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना मतलब डिस्कस कर ली हैं टॉपिक, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो. तो चलो डिफरेंस दोनों में पढ़ते हैं कि एथिक्स और मॉरल में क्या डिफरेंस है. देखने में तो गाइज ये टर्म जो है वो सेम ही लगती हैं कि लाइक एथिक्स एंड मॉरल आर द सेम, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती होंगी, बट कहीं ना कहीं इन दोनों में डिफरेंस है. सो लेट अस स्टार्ट. तो एथिक्स और मॉरल में क्या डिफरेंस है, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज ओरिजिन. जो एथिक्स की ओरिजिन हुई है वो ड्राइव्ड हुआ है, ये वर्ड डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है एथोस. ग्रीक वर्ड एथोस से ये बना है और एथोस का मतलब क्या है, करेक्टर, ठीक है, एथोस का मतलब यहाँ पे है करेक्टर. और जो मॉरल है वो लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड एम ओ एस है, मोस, ठीक है, जिसका मतलब है मीन्स. मीन्स मतलब एक काम करने का तरीका, ठीक है, कैसे काम करते हैं या कोई वे क्या है उसके, उसे मैंने यहाँ पे वे लिख दिया ताकि इसका आपको मीन्स आप ऐसा ना समझो कि मीन्स यहाँ पे भी लिखा है. मीन्स मतलब कोई काम करने का तरीका, उसे बोलते हैं मॉरल. तो ये एथिक्स बना है ग्रीक वर्ड से और मॉरल जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है. तो एक तो डिफरेंस हो गया ना. नेक्स्ट है मीनिंग. मीनिंग क्या है कि वट इज़ गुड और वट इज़ बैड. एथिक्स हमें बताता है कि क्या गुड है और क्या बैड है, और मॉरल हमें क्या बताता है कि क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या हमारी ऑब्लिगेशंस हैं. मैं यहाँ आपको यहाँ पे दोनों की एक एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एथिक्स में अगर मैं बात करूँ तो एथिक्स क्या है कि एथिक्स जो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपके आपने उस फ्रेंड की ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई, उस फ्रेंड की लाइफ को बचाने के लिए आप कुछ झूठ बोल देते हो, ठीक है. तो आप बताओ कि इस सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है ना, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी वो चीज़ कि आप उस पर्सन की लाइफ को बचाने के लिए कुछ झूठ बोल रहे हो, तो उस सिचुएशन में वो चीज़ झूठ बोलना एथिक्स होंगे या नहीं. आप बोलोगे होंगे, क्योंकि उस बंदे की लाइफ सेव हो रही है यार झूठ बोलने से. तो क्या है कि एथिक्स में आ जाता है वो चीज़, ठीक है, तो वो एथिक्स में आ जाएगी वो चीज़. ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो अनएथिकल है, लाइक झूठ बोलना तो अनएथिकल है, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन है. अगर किसी बंदे की लाइफ सेव हो रही है झूठ बोलने की वजह से, तो क्या है कि वो एक तरह से एथिक्स में आ जाता है. बट जो मॉरल्स हैं, मॉरल तो है ना, एक तरह से हम क्या ही देते हैं, लाइक जैसे हम कोई एक स्टेटमेंट बोल देते हैं कि ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ऑबे द लॉ, ठीक है, तो वो तो हमेशा वैसा ही रहेगा ना वो मॉरल. ऐसा नहीं है कि आज आप बोल रहे हो कि डोंट टेल लाई और कल आप बोल रहे हो कि बोलो झूठ बोल सकते हो आप, ठीक है. तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, बट एथिक्स हमारे जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है, वो हमारे एथिक्स के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है. तो ये एक तरह से सिचुएशनल है. आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा दोनों का डिफरेंस कि एथिक्स जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है, ठीक है. बट मॉरल जो है वो हमेशा वैसे ही रहेंगे. अगर आप झूठ बोल रहे हो तो मतलब वो गलत है, तो गलत ही है, ठीक है. ये हो गया हमारा मॉरल. अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं स्कोप के बारे में. जो एथिक्स है वो है वाइडर है. इसका स्कोप वाइडर क्यों है, क्योंकि पूरी सोसाइटी को हम इसमें साथ लेके चलते हैं. बट मॉरल जो है एक ह्यूमन नीड्स की बात करता है और इसका जो स्कोप है वो है स्मॉलर है. स्मॉलर किस से है, एथिक्स से. मॉरल्स जो हैं एथिक्स से छोटे हैं, मतलब एक तरह से स्मॉल है उनका स्कोप, ठीक है. नेक्स्ट जो है एक्सप्रेशन. जो एथिक्स हैं उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसमें, जर्नल स्टेटमेंट में. सॉरी, कांट डिस्क्राइब इन जर्नल स्टेटमेंट. कांट डिस्क्राइब, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. अब आप कोई सिचुएशन में, तो अब मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ पे एथिक्स पे यहाँ पे लिख दो कि डोंट टेल लाई, ठीक है. बट आप ऊपर तो बोल रहे हो कि उस सिचुएशन में वो एथिकल है, आप यहाँ एथिकल है, यहाँ पे बोलो अनएथिकल है, तो इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. ये सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. कई बार वो चीज़ एथिकल होती है, कई बार वो एथिकल नहीं होती है, ठीक है. बट इधर क्या है कि इट कैन बी डिस्क्राइब इन जनरल स्टेटमेंट, इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है. कैसे, लाइक मैं बोल रही हूँ कि ओबे द लॉ, अगर आप लॉ को ओबे करना चाहिए, ठीक है, लाइक एक स्टेटमेंट दे सकते हैं हम कि वो स्टेटमेंट हर जगह पे लागू हो, ठीक है. ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट होगी ना, तो वो क्या है, मॉरल हो गया हमारा. बट इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. इसको इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि हम बोले कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज कोड. जो एथिक्स है ऑलवेज फॉलोड बाय द ग्रुप ऑफ वाइड लेवल,
वाइडर लेवल, ये काफ़ी सारे लोगों की मतलब के द्वारा फॉलो किया जाता है, बट ये पर्सनल लेवल पे है, ठीक है। मॉरल जो हर एक पर्सन मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, मतलब पर्सनल लेवल पे है वो, ठीक है। ये ग्रुप लेवल पे है, वाइडर लेवल पे है। चेंजेस, एथिक्स ऑफ अ पर्सन कैन चेंज विद द टाइम, मैंने आपको बता दिया कि टाइम के साथ वो चेंज हो जाते हैं, सिचुएशनल हैं, चेंज हो सकते हैं, बट मॉरल कांट बी चेंज, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मॉरल जो है वो मॉरलिटी तो वैसे ही रहेगी ना, अगर आप बोल रहे हो झूठ नहीं बोला तो झूठ नहीं बोलना, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वो है ही हमेशा, तो ये क्या है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। सोर्सेस क्या हैं, इसको हम लाइक डिसीजन लेके अप्रोप्रिएट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये मतलब सीखते हैं कि एथिकली सिचुएशन में ये चीज़ एथिकल है ये नहीं है। बट ये जो हमें कहाँ से सीखते हैं, मॉरल फैमिली से, सोसाइटी से, स्कूल से, या फिर जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉरल्स मॉरलिटी के अंदर आ गया। नेक्स्ट है फाउंडेशन। तो एथिक्स एक तरह से फिलॉसफी है, और जो मॉरल है वो हमारे रिलीजन के बेसिस पे है। हम ये हमारी सोसाइटी से सीखते हैं, लाइक कैसे सीखते हैं, हम ये रिलीजन से सीखते हैं ना हमारे, कि ऐसा नहीं करना, ठीक है, इस तरह के क्लोथ्स वियर करने हैं, या फिर हम बोल देते हैं कि ऐसा बोलना नहीं है, या किसी को या कौन सी टर्म यूज़ करनी है, ना ऐसे हम जो हम सीखते हैं, तो रिलीजन से सीखा जाता है मॉरल को। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या किया, एथिक्स और मॉरल के बारे में हमने किया, ठीक है। एथिक्स जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, और मॉरल जो हमारा लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, और एथिक्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, मैंने आपको बताया कि वो चेंज हो जाते हैं। अगर मैंने आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल दी थी डॉक्टर की, एक डॉक्टर है, ठीक है। वो डॉक्टर क्या है कि उसने एक मेडिसिन बनाई, उससे 2% की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उससे क्या है कि 2% की डेथ होगी, और उसके बाद में उसमें कुछ उसने चेंजेस किए, और उसने काफ़ी सारे पर्सन की लाइफ को सेव कर दिया। तो उस सिचुएशन में वैसे तो हम बोलेंगे कि उसने किसी दो लोगों की लाइफ को पे इम्पैक्ट पड़ा, बट एक तरह से हम ये भी तो सोच रहे हैं कि उसने कितने लोगों की लाइफ को सेव भी तो कर दिया ना। तो ये यहाँ पे क्या होगा, उसके एक्ट को एथिकल मानेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन, बट मॉरलिटी हमेशा, अब यहाँ पे अगर मॉरल की मैं बात करूँ तो इसके एक्ट को हम एक तरह से मॉरलिटी के अंदर ये नहीं आएगा, क्योंकि उसने 2% की लाइफ को सेव नहीं किया, ठीक है। तो मॉरल जो है एक तरह से वैसे ही रहते हैं, बट एथिक्स जो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज हो जाते हैं, और ये वाइडर है और ये नैरो है। आपने ओरिजिन की बात कर ली, हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया, हमने स्कोप की बात की, ये बड़ा है और ये छोटा है, और एक्सप्रेशन क्या है, ये इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये कोड ये ग्रुप लेवल पे किया जाता है, ये पर्सनल लेवल पे होता है, चेंज किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता है। सोर्सेज कहाँ से आते हैं, इसके कहाँ से आते हैं, और ये फिलॉसफी है और एक क्लीचर है। आई थिंक गाइज आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों के टर्म्स की मीनिंग। अगर आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसके अलावा इसका हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वेरी सून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।